शहर में कई नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स अनरजिस्टर्ड हैं, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं प्रसिद्ध नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा था। आज उसी कड़ी में जिला कलेक्टर साहब के निर्देश पर SDM साहब पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लेकर के आए, जैसे BCMO साहब चित्रा मीणा जी भी साथ थे और भी पुलिसकर्मी थे, सभी आए और यहाँ पर देखा कि कोई जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं है, बाकी सब स्टाफ नजारत हैं, कोई मरीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं था, ऐसा सीन था। देखते हुआ कि इस अस्पताल को सीज करना चाहिए। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि एज ए PMO यहाँ जो रोगी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और सारे रोगियों को तरीके से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा के और उनको समुचित इलाज मिले, इसके लिए डॉक्टर साहब के निर्देश पर, SDM साहब के निर्देश पर मैं आया और यहाँ सारे मरीजों को ठीक प्रकार से शिफ्ट करके उनके इलाज की जो व्यवस्था हो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी से इलाज कराएगा, इसके लिए उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी जो नियम होगा। कितने मरीज होंगे सर इसमें से? जो अभी कुछ तो आउटडोर के मरीज बैठे थे, एक तो नॉर्मल डिलीवरी के थे, 3 मरीज ऑपरेशन के पश्चात थे, उनको जिला चिकित्सालय में शिफ्ट किया जा रहा है।